वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई नो यू ऑल आर बेटर एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। फ्रेंड्स आई एम ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, ओके, ऑफ EVS। So let us start without wasting time, okay? So here they have given there are dash bones in skull. If they have given you question that, मान लीजिए उन्होंने आपको question दिया है there are dash bones in skull. So the answer is 22. The answer is 22. Second question is, other name of the spine is, so the answer is vertebral column, ठीक है, vertebral column। उसके बाद मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, other name of the spine is vertebral column। तो यहाँ पे next है rib cage protects dash, ओके, रिबकेज प्रोटेक्ट्स हर्ट एंड लंग, ठीक है, जो रिबकेज है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, हर्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, द रिबकेज प्रोटेक्ट्स हर्ट एंड लंग्स, ओके। सो द फोर्थ क्वेश्चन हेयर इज डैश हेल्प्स बोन्स इन कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। द क्वेश्चन इज डैश हेल्प्स बोन्स इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो आंसर है और जो ब्लैक है दैट इज क्वेश्चन। सो द फोर्थ आंसर इज मसल्स। मसल्स हेल्प्स बोन्स इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आर कॉल्ड डैश। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आर कॉल्ड डैश। सो द राइट आंसर इज स्केल्टन। सो द राइट आंसर इज स्केल्टन। द क्वेश्चन इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केल्टन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डैश सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। हियर द क्वेश्चन इज डैश सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो द राइट आंसर हेयर इज मस्कुलर। ओके, मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे सेवेंथ है स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज टेपल्स, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लू का लिखना था बट गलती से मैंने यहाँ पे काला कलर का लिख दिया है, बट इस करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे स्टेपल्स जो है वो करेक्ट आंसर है, ओके, स्मॉलेस्ट बोन। अगर आपको कोई पूछेगा एग्जाम में कि चलो बच्चे बताओ स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, स्टेपल्स। क्या बोलेंगे, स्टेपल्स। इसकी स्पेलिंग है STAPLES, ठीक है, स्टेपल्स। यहाँ पे एट है लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज डैश। लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज डैश। सो द राइट आंसर इज फीमुर, ठीक है, फीमुर FEMUR, फीमुर। यहाँ पे क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फीमुर, FEMUR, फीमुर। यहाँ पे नाइन्थ है टिबिया एंड फिबुला आर पार्ट ऑफ डैश। टिबिया एंड फिबुला आर पार्ट ऑफ डैश। तो यहाँ पे है हिंड लिम्स। क्या है, हिंड लिम्स। द करेक्ट आंसर इज हिंड लिम्स। द करेक्ट आंसर इज हिंड लिम्स, HIND, हिंड LIMBS, लिम्स, ठीक है, हिंड लिम्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज टेंथ, ओके। फोर लिम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे द क्वेश्चन इज फोर लिम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज आर्म्स। आर्म्स का आपको हिंदी में तो मतलब पता ही होगा, बाँ, ठीक है, बाँ। उसके बाद है इलेवेंथ लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कुछ लोग बाँ भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है इलेवेंथ पार्ट लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये हमने कर लिया। जो
हमारी लेग्स होती हैं वो भी हिंड लिम्स कॉल्ड होती हैं, ठीक है। लेग्स आर ऑल्सो कॉल्ड हिंड लिम्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो टीबिया एंड फिबुला आर पार्ट ऑफ हिंड लिम्स, और जो हिंड लिम्स है वो लेग्स का पार्ट है, मतलब कि जो टीबिया एंड फिबुला है वो किसका पार्ट है, लेग्स का, ठीक है। ठीक है, अड ये जो हमारा जो लेग्स है वो हिंड लिम्स कॉल्ड होता है, और जो टीबिया एंड फिबुला है वो किसका पार्ट है, हमारी हिंड लिम्स का, मतलब कि लेग्स का ही पार्ट है। यहाँ पे रेडियस एंड उल्ना आर द पार्ट ऑफ, रेडियस एंड उल्ना आर द पार्ट ऑफ, यहाँ पे है फोरियम, ठीक है। यहाँ पे है फोरियम, फोम आर्म, ठीक है, फोम आर्म। नेक्स्ट इज फोर आर्म, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे टू मोर क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा, दैट इज़ व्हाट इज मसल। फ्रेंड्स, इतना तो आपको ज़रूर पता है कि जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, है ना, आपको इतना पता ही है कि व्हाट इज़ मसल्स। तो यहाँ पे द आंसर इज मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड पुल टू मेक देम मूव एंड जॉइंट्स। देयर आर 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो आप अगर आपसे कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा, चलो बच्चे बताओ जल्दी से हमें कि कितनी बोन्स होती हैं, मतलब कि कितनी मसल्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो आप क्या बोलेंगे, सर या फिर मैम, देयर आर 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। आपके पेरेंट्स अगर आपको रिवाइज करा रहे हैं, वेल डन, आप खुद भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं वही ज़रूर आते हैं। तो अभी हम सेकंड करते हैं। सेकंड इज़ व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज मसल्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, दे वर्क ऑन देयर ओन इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ये वो मसल्स होती हैं जो हमारे खुद के जो है ना, खुद के वश में नहीं होती हैं, ये अपने ही वश में होती हैं, जिन्हें होता है, जिनका वर्क होता है, ये खुद ही करती जाती हैं। दे आर नॉट, यू नो, दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ अस। कंट्रोल को हम हिंदी में बोलते हैं वश, तो ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आप बोलेंगे वो हमारे, ये वो मसले होती हैं जो हमारे वश में नहीं आ सकती हैं, ये अपने ही वश में हैं, ठीक है। उसके बाद सो फ्रेंड्स, आज हमने जो हैं वो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको मेरा ये जो पार्ट नंबर 3 है वो ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर का, यू नो, एक्सप्लेनेशन ट्रेनिंग। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, इट्स माई पर्सनल थिंग, कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। आपको माई स्टडी चैनल का वादा है कि आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करता रहेगा अगर वो उसके पास मौजूद हुई, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। My study channel is always with you to clear your, you know, doubts. So all the best. Thank you so much to watch this video again. Bye bye. Take care. Milte hain next video mein.